माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब का इस बजट में कर्मचारी हित में जो निर्णय लिए हैं उन निर्णय के लिए बोर्ड कर्मचारी संघ, बोर्ड परिवार, बोर्ड संघ कर्मचारी संघ माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी है। और हमारे बोर्ड में बहुत सारे साथी ओपीएस और एनपीएस के उसमें उलझे हुए थे, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओपीएस को बोर्ड निगमों में भी लागू कर दिया, इसलिए बोर्ड कर्मचारी संघ की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे यहाँ दूसरी डिमांड चली आ रही थी पीएफ से पेंशन वाली, तो काफ़ी लंबी डिमांड थी, अब एक कर्मचारी एक पेंशन के हिसाब से निगम बोर्ड और सबको हमारे साथियों को भी लंबी मांग थी उसको पूरा करने के लिए माननीय सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक एक लंबी लड़ाई हम लड़ रहे थे कर्मचारी संगठन सभी मिलके, जिसमें अजमेर में माननीय डॉक्टर जयपाल साहब, राजकुमार जी जयपाल साहब के पास हम गए, उन्होंने बड़ा सहयोग किया। धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब आरटीडीसी चेयरमैन, उनके पास हम गए, वो हमारे को जयपुर भी हमारे को लेके गए और भी उन अधिकारी और उनसे नेताओं से मिलवाया और इससे एक मुहिम बनाई। निगम बोर्ड के दूसरे जो अध्यक्ष थे धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ ने उनके साथ मिलके और एक कोलब्रेशन बना के ये जो योजनाएँ हैं ये निगम बोर्डों पर लागू करवाई, इसलिए धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का, डॉक्टर राजकुमार जी जयपाल साहब का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का, सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पेंशनर्स ने हमारा सम्मान किया है, बोर्ड कर्मचारी संघ जो पीएफ से पेंशन का एक विकल्प था, जो बातचीत आ रही है बोर्ड प्रशासन से भी हुई है, फाइनेंस में दूसरे लोगों से भी हुई है, ये बात आ रही है कि भाई वो पीएफ की बजाय इनको भी ओल्ड पेंशन मिल रही है, तो हमारे पीएफ में जो साथी थे कुछ पेंशनर्स भी थे, कुछ साथी अभी हैं भी, उन्होंने मिलकर कर्मचारी संघ का सम्मान किया, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ।